नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एफएम न्यूज। भारत में एयरटेल और जियो को लेकर कोई जंग से छिड़ गई है, पर इसका फायदा सीधे उपभोक्ताओं को मिलेगा। एयरटेल ने कार्बन कंपनी के साथ मिलकर 4G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसे कार्बन A40 नाम दिया गया है। फोन की कीमत 3,499 रुपए है, लेकिन इसे 2,899 रुपए में बेचा जाएगा। जियो की तरह इसमें भी 1500 रुपए कस्टमर को रिफंड कर दिए जाएंगे। इस तरह यह फोन 1,399 रुपए में पड़ेगा, लेकिन फोन को खरीदने के लिए कस्टमर को 2,899 रुपए ही देने होंगे। इस फोन पर एयरटेल का ऑफर है। एयरटेल फोन के साथ 169 रुपए का प्लान दे रही है। इस प्लान में 500 MB डेटा डेली दिया जाएगा, साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। इस फोन के साथ भी रिफंड पॉलिसी दी गई है, साथ ही डेटा प्लान भी जियो से मिलता जुलता ही है, लेकिन कुछ फीचर्स हैं जो जियो से पूरी तरह अलग है। चलिए हम आपको इन दोनों फोन फीचर्स के बारे में बताते हैं। एयरटेल के फोन की कीमत 3,499 रुपए है, लेकिन इसे एयरटेल के ऑफर के साथ 2,899 रुपए में बेचा जाएगा। बल्कि जियो फोन को 0 रुपए की इफेक्टिविटी प्राइस में लॉन्च किया गया था। इसको खरीदने के लिए यूजर्स को 500 रुपए प्री बुकिंग के समय और 1,000 रुपए डिलीवरी के वक्त देने हैं, यानी कुल मिलाकर यह फोन 1,500 रुपए में मिलेगा। एयरटेल ने भी जियो की तरह ही रिफंड पॉलिसी लॉन्च की है। इसमें फोन खरीदने के लिए 2,899 रुपए डिपॉजिट करने होंगे। फोन खरीदने के 18 महीने बाद कस्टमर को 500 और 36 महीने बाद 1,000 रुपए रिफंड होंगे, यानी कुल 1,500 रुपए रिफंड होंगे। फोन कस्टमर्स के पास ही रहेगा। जियोफोन का अमाउंट 1,500 रुपए 3 साल बाद पूरे वापस मिलेंगे। अगर आप 1 साल के पहले फोन रिफंड कर देते हैं तो आपको 1,500 रुपए और GST देना होगा। 2 साल बाद 1,000 रुपए और 3 साल के पहले करने पर 500 रुपए मिलेंगे। रिफंड के लिए फोन जमा करना होगा। एयरटेल फोन में दूसरे नेटवर्क की सिम यूज की जा सकती है। यह फोन ड्यूअल सिम होगा। इस फोन को खरीदने के लिए यूजर्स को किसी तरह का डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना होगा। फोन को सीधे आउटलेट से खरीदा जा सकता है। जियो फोन प्रीलोडेड जियो सिम के साथ होगा। इसको खरीदने के लिए यूजर्स को EKYC प्रोसेस से गुजरना होगा, जिसमें आधार कार्ड की सॉफ्ट कॉपी सबमिट करने से लेकर बायोमेट्रिकेशन भी होता है। एयरटेल फोन में हर महीने 169 का रिचार्ज कराना जरूरी होगा। प्लान में 500 MB 4G डेटा डेली और अनलिमिटेड वॉइस कॉल मिलेगी। इसके साथ ही 100 मैसेजेस फ्री रहेंगे। इसमें रोमिंग फ्री नहीं है। जियो फोन में यूजर्स को हर महीने 153 का रिचार्ज कराना जरूरी होगा। इस रिचार्ज में 500 MB 4G डेटा डेली और अनलिमिटेड वॉइस कॉल मिलेगी। इसके साथ ही मैसेजेस फ्री रहेंगे। इसमें रोमिंग भी फ्री है। आइए हम आपको अब एयरटेल स्मार्टफोन और जियो फीचर फोन के बारे में बताते हैं। एयरटेल स्मार्टफोन की डिस्प्ले 4 इंच है, वहीं जियो फीचर फोन का डिस्प्ले 2.4 इंच है। एयरटेल फोन की रैम 1 GB है, वहीं जियो फोन की रैम 512 MB है। एयरटेल फोन की स्टोरेज 8 GB है, वहीं जियो फोन की स्टोरेज 4 GB है। एयरटेल फोन का प्रोसेसर 1.3 GHz है, वहीं जियो फोन का प्रोसेसर कैरन का प्रोसेसर है। एयरटेल फोन का रियर कैमरा 2 MP का है, वहीं जियो फोन का रियर कैमरा 2 MP का है। एयरटेल फोन की बैटरी 1400 mAh की है, वहीं जियो फोन की बैटरी 2000 mAh की है। एयरटेल फोन का नेटवर्क 2G, 3G, 4G सपोर्ट है, वहीं जियो फोन का नेटवर्क सिर्फ 4G सपोर्ट है। डेली अपडेट्स के लिए FM न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।